गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ दीपक गोस्वामी, आई एम योर जीके टीचर. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर 18. ओके, हिल स्टेशंस इन इंडिया. कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं अपने इंडिया के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे. द क्वीन ऑफ सतपुरा, इट इज़ अ क्वेंट हिल स्टेशन इन द सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश. इसका नाम क्या है, क्वीन ऑफ सतपुरा. ये कहाँ पर है ये हिल स्टेशन, इन द रेंज ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, इन द सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश. ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 1100 मीटर्स, मतलब इतनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है हिल स्टेशन. ओके, दिस हिली रिट्रीट इज पॉपुलर फॉर इट्स साइंस सीनिक ब्यूटी, पिक्चर परफेक्ट आउटलुक एंड द ट्रैंक्विलिंग एम्बियंस. सीनिक ब्यूटी का मतलब ये है कि यहाँ के जो सीन्स हैं, जो आप सीन जो वहाँ के दृश्य देखने लायक हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं वहाँ के, पिक्चर परफेक्ट कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आएगी. पिक्चर परफेक्ट मतलब ऐसे आई कैचरिंग वहाँ के सीन्स हैं. ओके, आउटलुक एंड द ट्रैंक्विलिंग एम्बियंस. ट्रैंक्विलिंग एम्बियंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रैंक्विलिंग एम्बियंस का मतलब होता है, ट्रैंक्विलिंग का मतलब होता है शांत, और एम्बियंस मतलब वातावरण, कि यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत है. शेयरिंग हिस्ट्री विद द हिंदू एपिक महाभारत, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है. इट ऑफर्स अ प्लेटिट्यूड ऑफ टूरिस्ट डिलाइट्स लाइक दुर्गढ़, सनसेट पॉइंट, संगम, सिल्वर फॉल्स एंड सर्वल केव्स, कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और ये उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे उनके देखने के लिए, दुर्गढ़ है, सनसेट पॉइंट है, संगम है, सिल्वर फॉल्स है एंड सर्वल केव्स भी है. इसका नाम क्या है, पंचमारही मध्य प्रदेश के अंदर है. ओके, इस स्टेशन का नाम है पंचमारही. ओके, सेकंड, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज़ इंडेड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर हिल स्टेशन इन इंडिया. ये जो जगह है शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये क्या, शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है. ये इट इज़ इंडेड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर को आप पॉपुलर भी बोल सकते हो, कि वहाँ का जो सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन इन इंडिया है, इंडिया का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन, अगर हिल स्टेशन की बात आती है तो सबसे पहला नाम अपने माइंड में कौन सा आता है, शिमला का. ठीक है, तो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर अपना हिल स्टेशन कौन सा होगा, शिमला. ओके, वंस द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, एक टाइम पे ये क्या था, सिर्फ समर कैपिटल था, कि वहाँ पे सिर्फ समर्स में आप घूमने जा सकते थे, लेकिन इट नाउ सर्व एज वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री. सबसे ज़्यादा अगर टूरिस्ट कहीं आते हैं तो वो यही जगह है पूरी कंट्री में, बी इट द विंटर्स और द समर्स. पहले तो ये सिर्फ समर्स का कैपिटल था, लेकिन अब चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, ये इट ऑलवेज ऑफर्स अ प्लीजेंट क्लाइमेट एंड एम्पल ऑफ साइट सींग ऑप्शन टू इट्स विजिटर. चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आप कभी किसी भी मौसम में अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट आपको बहुत ही पसंद आएगा, और वहाँ के जो ऑप्शन है साइट सींग ऑप्शन, मतलब जो वहाँ की नज़ारे हैं, वो भी विजिटर्स के देखने लायक है. ओके, और ये कहाँ पे है, इस हिल स्टेशन का नाम है शिमला, और ये कैपिटल है किसका, हिमाचल प्रदेश का. ओके, थर्ड है अपना, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम, गंगटोक है, और ये कहाँ की कैपिटल सिटी है अपनी, सिक्किम की. कोसिटेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस. अब कोसिटेड की जगह आप एक और वर्ड देख सकते हो, उसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड. ओके, ये जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, मतलब हिमालयस के उस चारों तरफ उससे घिरा हुआ है ये. ओके, प्रिस्टीन ब्यूटी एंड आउटस्पेयरिंग लोकेशन ऑफ दिस हिल स्टेशन मेक इट एन आइडियल प्लेस टू एंजॉय रोप वे, केबल राइड एंड रिवर राफ्टिंग. ओके, प्रिस्टीन मतलब बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. ओके, और ओ इंस्पायरिंग मतलब कि ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजर के साथ साथ थोड़ा एक्साइटिंग भी है. ओके, तो ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दोनों फीलिंग्स आपको एक साथ मिलेगी. लोकेशन ऑफ दिस स्टेशन, इसी चीज़ की वजह से हिल स्टेशन को एक आइडियल प्लेस माना जाता है इंजॉय करने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पे है, थोड़ा डरावना भी है, तो वहीं पे आप रोप वे भी इंजॉय कर सकते हो, केबल राइड भी इंजॉय कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग भी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो. नेक्स्ट है ओवर लुकिंग द ट्वेंग एंड ट्यूरल रिवर्स, ये दो रिवर्स हैं वहाँ से जाती है, एजवाल मिजोरम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे. ओके, कौन सा हिल स्टेशन है, एजवाल मिजोरम में है. ओके, ट्वेंग और ट्यूरल रिवर्स दो नदियाँ जाती हैं यहाँ से. इट द कैपिटल ऑफ मिजोरम ऑफर्स अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ हिल स्टेशन. जो एजवाल है वो क्या है, कैपिटल है मिजोरम का, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको हिल स्टेशन के उसमें मिलेगा. इसमें लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 1132 मीटर, कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये, 1132 मीटर की ऊंचाई पे ये बसा हुआ है. इट इज़ एन इंडेंजर्स होम टू सम ऑफ द प्रिमिटिव एंड एथनिक ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इंडेंजर्स का मतलब ये होता है स्वदेशी, जो लोग वहीं से बिलोंग करते हैं और इनका घर भी वहीं है. ओके, तो प्रिमिटिव और एथनिक ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के.
और कौन सा नाम है ये, कौन सा हिल स्टेशन है? ऐजवाल, मिजोरम. ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर एंड लाइट स्किलिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया. सबसे पॉपुलर लाइट स्किलिंग डेस्टिनेशन है इंडिया के, वो क्या है? इट मीनिंग मेडो ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड 52 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर. श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर वहाँ पे ये बसा हुआ है. द वंस समर होम ऑफ किंग्स लाइक यूसुफ शाह चक एंड जहांगीर ऑन अ विजिट टू इट सेट. जब एक बार के लिए किंग यूसुफ शाह चक और उनके साथ में जहांगीर भी थे, जब वो यहाँ पे विजिट के लिए गए थे तो उन्होंने क्या कहा था इस जगह के बारे में? यू कैन विटनेस हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड अपीयर्स इन वाइट. क्या आप ये देख सकते हो कि अगर वर्ल्ड अगर पूरे वाइट के अंदर हो तो कितना ब्यूटीफुल लगता है? ये आप कहाँ जाके देख सकते हो? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है. ओके, ये उन्होंने उस जगह के बारे में कहा था. बिसाइड स्कीइंग एंड आइस स्केटिंग यू कैन ऑल्सो चांस अ राइड ऑन द सेकेंड हाइएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड. केबल कार सबसे हाई, सेकेंड हाइएस्ट है ये. ओके, सेकेंड हाइएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड कहाँ पे मिलेगी आपको? गुलमर्ग में, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे. टुमारो वी विल लर्न अबाउट फोर मोर हिल स्टेशन. ओके, सो रीड दिस चैप्टर एंड लर्न इट. ओके.